kia nih. अरे कौन है भाई, लाइट किसका नीचे है, उसको बोल थोड़ा पीछे से, सूरज के आगे बैठा सो। हेलो, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट अपील यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड मैम आल्सो लाइक क्या एक चीज लगी है आपको जो मुझे ये मूवी करनी चाहिए एंड आई हैव टू कम ऑन बोर्ड फॉर दिस। कौन है? नो, आई रियली फाउंड अ वेरी नाइस अप्रोच ऑफ हिम, शायद काजमी ने रिलेटेड मी द सब्जेक्ट एंड आई थॉट this is something new which I have never done before. So isme sirf comedy nahi hai, ek character hai which appeared to me so much that ek parivar ka mukhiya hai aur kaise problem ko solve karna hai. That was something very different for me which I have never done before. Isliye I am very thankful to. Thank you so much. Good afternoon everyone. Assalamu alaikum. एक बात जो अट्रैक्ट की वो ये कि आई नो राहत भाई वेल एंड मुझे पूरी उम्मीद थी कि शाहिद भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिसमें उनका नाम हो और उनको तरक्की मिले. तो शाहिद ने जब नरेट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं कि मदर ऑफ़ द फैमिली बट बहुओं को बुरा भी नहीं बोल सकती, लड़ाई झगड़ा नहीं करते. हम लोग दोनों को दिखाया गया कि मतलब हम ज़्यादा मतलब उनके बीच में नहीं बोलते हस्बैंड वाइफ के, जो नॉर्मली होना चाहिए कि सास ससुर को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बट जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ समझदारी से काम लेके उनको समझाया भी जाता है. सो वो जो एक मिक्सचर था कॉमेडी का एंड इमोशनल चीज़ों का, तो वो ज़ाहिर है सबसे अट्रैक्टिंग पार्ट था हमारे लिए. और शाहिद फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हाँ, हम लोगों के साथ पहली बार थे तो इट वॉज अनदर प्लस पॉइंट फॉर अस. Shahid, I want to know from you, this is something new and we have not seen. So, you know, what was the idea behind making this movie? How the journey of Shaadi Ke Batashe started? Actually, क्या है कि मेरे producer हैं, जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो इन्होंने मुझे ऐसे ही जनरली एक कहानी सुनाई अपने दोस्त की और मुझे वो अपील इसलिए की क्योंकि पहली चीज़ ये थी कि एजुकेशन को लेके बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी. एक कपल था, यंग थे, एक दूसरे को बड़ा प्यार करते थे और उनकी अरेंज मैरिज होगी, अभी प्रपोज भी नहीं हुआ था. बट शादी के बाद वो कॉलेज जाना, स्कूल जाना, फिर वो क्या होता है, फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लोग बातें करते हैं कि छोटे छोटे शहरों में होता है कि शादीशुदा है, लड़की को जाना नहीं चाहिए. तो इशू तो सीरियस थे बट बहुत फ़नी वे में आ रही थी चीज़ें. फादर मदर हैं, सीरियल देखते रहते हैं, अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, कोई भी ना बुरा नहीं होता इंसान. तो सिर्फ क्या होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग 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 होता है, तो कई बार क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू मिलता नहीं है तो इंसान को वो बुरा लगने लगता है कि यार ये कैसा इंसान है, ठीक है. बट वो चीज़ देखी कि वो फैमिली के साथ, जब मुझे मैंने वो कहानी सुनी थी मुझे समझ में आया कि सब लोग अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है. बट बात इतनी है कि सिर्फ थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस होती हैं. बड़ी बहू है, उसको लगता है मैं तो घर के काम करती हूँ, ये तो पढ़ रही है, तो लोग भी भड़काते हैं, मोहल्लों में तो होता ही है कि तू तो नौकरानी बन गई, वो तो. और माँ बाप बेचारे बड़े सीधे, उन्होंने कभी कुछ बुरा बोला नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और वो उनको लड़ते देख रहे हैं, बाल पकड़ लिए एक दूसरे के. तो बड़े फ़नी सी चीज़ें भी लगी मुझे इसके अंदर और अच्छा लगा कि ये एक मैसेज है कि शादी के बाद भी एजुकेशन हो सकती है या एजुकेशन पूरी होने देना चाहिए, क्या उसके बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो वो कहानी सुनी, मैंने कहा यार ये करना है मेरे को, बड़ा अच्छा लगा तो इसलिए किया ये. तभी ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है. सो आई वुड लाइक ओपन टू मीडिया, अगर कोई भी क्वेश्चंस है आपके तो यू कैन आस्क. है कोई रानी जी, एनी क्वेश्चंस यू? और आपको रूबरू देख के आप सबको बहुत खुशी होती है जब आप बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं वो, क्योंकि मीडिया से इतना इंटरेक्शन होता नहीं आपका. मेरा अपना निजी तजुर्बा एज अ जर्नलिस्ट ऐसा रहा है. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस तरह के सब्जेक्ट अब बिल्कुल अलग एक नई कड़ी जुड़ गई है फिल्म मेकिंग में, बधाइयों उसका एग्जांपल है, फिर ये एक हल्की कॉमेडी जो आपको कहीं मिडिल क्लास फैमिली में ले जाती है, ये कितनी नई अच्छी शुरुआत मानते हैं. और यू हैव सीन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, कितनी सही शुरुआत मानते हैं असरानी सर आप? नहीं, हमने शुरू से ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्में बनाते थे, गुलजार साहब, शक्ति सामन, बी आर चोपड़ा, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया तो मुझे लगा ये एक फ्रेश अप्रोच है बहुत दिनों के बाद. तो आई थॉट दिस कैन बी अप्रोच एंड कैन बी डन. तो जस्ट उन्होंने मुझे सुनाया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एक कैरेक्टर है जो जिसमें शेड है जैसे कि आपने बताया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल. आप लोग भी कुछ बोलिए, बताइए, बोलिए सर, बोलिए, पूछिए. अब
سب سے پہلا اسرانی جیسے دگج اور شگفتہ جیسی جی جیسی دگج کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ اور کیا سیکھنے کو ملا ان دونوں کے ساتھ؟ یہ اپنے آپ میں اسکول ہیں دونوں شخصیت. جی ایکچولی میرا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں اتنے اچھے سینئر ایکٹرس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, شگفتہ جی اینڈ اسرانی جی, اور ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا سیٹ پہ اور بہت مزہ آیا شوٹنگ کرتے ہوئے. شگفتہ جی, if you have to say something about it, and وہ آپ کو بھی بڑی مشکل سے, بڑی چوزی ہیں فلموں کے متعلق یا سیریل کے متعلق, کیا خاص رہا جب آپ کنوینس ہو گئے کہ یس میں اس فلم کا حصہ بننا چاہوں گی, اور who came first on board, you or اسرانی صاحب؟ I think اسرانی came first on the board. He was the one who was narrated the whole thing first. I was the second one. And I've been doing a lot of serials. مطلب بہت زیادہ ایک ہوتا ہے نا کہ اوور دا ٹاپ جا کر کر لینا کہ نہیں یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں. سو مائی لاسٹ سیریل واز بے پناہ, تو کلرس پر جو آتا تھا, تو جیسے ہی وہ ختم ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ہی زیبا کا اور راحت اپنا شاہد کا فون آیا. تو جب کہانی سنی تو سمپل لگی, اچھی لگی کہ لائٹ کامیڈی ہے, سمپل ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم ناٹ ڈن دس کائنڈ آف اے رول, اٹس ناٹ دیٹ. ان آل دیز ایئرس مجھے بھی ماشاء اللہ اب 34 سال ہو گئے ہیں انڈسٹری میں, تو بہت الگ الگ قسم کے رولس کیے ہوئے. تو یہ ایک تھا کہ ہاں ہمیں کہاں پر جا کر زیادہ وہ لگتا ہے, آئی تھنک اسرانی جی اس میں میرا ساتھ دیں گے, کہ نیا ڈائریکٹر کوئی ہو تو وی ہیو دیٹ چیلنج کہ چلو بھائی ایک نئے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہاں جب ہم پہنچے ہیں, جموں جب ہم پہنچے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ ہی نئے ہیں, تو دیٹ واز اندر چیلنج فار آر سینئر ایکٹرز آلسو ٹو ورک with all, they must be working over there in Jammu. وہ لوگ ماشاء اللہ تھیٹر کرتے ہیں, یہ لوگ سب وہاں پر پاپولر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے لیے بالکل ایسا تھا جیسے ایک دم نئی جگہ پر آ گئے ہم کہیں. تو جب کام کیا ماشاء اللہ پہلے سین سے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں تو ہم سمجھ گئے کہ ارے نئے بچے ہیں نئے بچے, یہ تو سارے کے سارے دھاکڑ, یہ دونوں لڑکیاں, یہ لڑکے, یہ لوگ اتنا ماشاء اللہ اچھا کام کیا ان لوگوں نے. جو میری وہ بنی ہے لڑکی کی ماں, تمہاری ساس جو بنی ہے, رانی جی, رانی جی از سچ اے سپرب ایکٹریس, شی از سو گڈ ماشاء اللہ, کہ اٹ واز تھرو پلیزر ٹو ڈو سینز وتھ ہر, یو نو, کہ امپرومٹو اتنا اچھا کر رہے تھے وہ لوگ کہ اس میں ہم کو زیادہ مزہ آیا. کہہ رہے یار ایوری تھنگ از ناٹ ریٹن کہ مطلب رٹا مار لیا ہے لائنیں یہ کرنی ہے تو یہی کرنی ہے. شاہد گیو اس دا لبرٹی کہ یہ یہ ایسا ہے, آپ کیا کرنا چاہیں گے, آپ کیا کریں گے, اچھا ایسا کرتے ہیں. So that was the fun part of it, you know, کہ we got the liberty from the director and having all the new actors with us. New مطلب ہمارے لیے نیو, وہاں کے لوگ جانکار ہیں. سو دیٹ واز اے ویری نائس اینڈ اے ویری پلیزنٹ تھنگ. شاہد, میرا سوال آپ سے, ایز اے نیو ڈائریکٹر کیا کیا چیلنجز تھے آپ کے سامنے, تھوڑا سا بتائیے ہماری آڈینس کو ڈیورنگ دا شوٹ. ہاں ایکچولی کیا ہے, ویسے فلمس تو میں نے کی ہیں, پچھلے سال دو ریلیز ہوئی تھی, بٹ ہاں جب سینئر لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا ٹینشن میں آ جاتے ہیں. ایک تو اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے, ان کو دیکھا ہوتا ہے اس طرح سے, تو جب یہ لوگ آئے تھے تو میں تو بہت ڈر رہا تھا. ہم لوگ بالکل پہلے تیار جا کے ریڈی رہتے تھے, ہم لوگ ان سے ایک گھنٹہ پہلے وہاں ریڈی رہتے تھے کہ وہ جیسے ہی آئیں گے تو پہلے چائے وغیرہ سب کچھ وہ رکھو, اور وہ رکھنے کے بعد ہم لوگ یہ کہتے سر آتے ہی ہمیشہ بولتے تھے سین بتاؤ, تو ہم کہتے تھے میں سین بتانے لگا تو وہ کہتے, میں نے کہا سر چائے تو لے لو, کہتے ہمارے لیے, میں نے کہا ہاں, کہتے نہیں مجھے لگا سین کا ہے. تو ہم لوگ بڑا ڈرتے تھے, بٹ انہوں نے اتنا کمفرٹیبل کر لیا کہ اگر تھوڑا سا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا تھا نا تو دوسرا سین لگ رہا ہے تو شگفتہ جی کہیں گئے ہیں, تو یہ کہتے کہ میرا والا سین کر لو نا تب تک. میں نے کہا سر تھوڑا ٹائم لگ جائے گا شفٹنگ, کہتے ارے 5 منٹ لگیں گے لے آؤ نا. تو ایسے تھے, مطلب اتنی انرجی, اتنا سب کچھ, اور بہت کمفرٹیبل کر لیا. ہم ڈرے ہوئے تھے, آج بھی ڈرے ہوئے ساتھ میں کھڑے ہو کے, بٹ بہت کمفرٹیبل کیا, اور اتنا اچھے سے انہوں نے کیا کہ جو مطلب ڈبل ٹائم لگنا تھا آدھے ٹائم میں سب ختم ہو گیا. تو چیلنجز تو میرے کو کچھ وہاں پہ لگا ہی نہیں, جب کیا شروع میں تھا, اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم, ڈر لگتا ہے ان سے بات کرنا, 10 چیزوں کا جواب دینا, بٹ فائنلی جب کیا وہاں پہ بہت اچھا لگا, اچھا ایکسپیرینس تھا. ہاں ہاں
finished or no? पहले से ज़हन में था कि शगुफ्ता मैम और असरानी सर रहेंगे वो किरदार में, क्योंकि जब हम वो किरदार को देखते हैं तो एकदम परफेक्ट जो है कास्टिंग लगती है वहाँ पर, कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमने सडन प्लान हुआ था, मैंने पता है ना, हम प्लान कर रहे थे फिल्म का कोई और कॉन्सेप्ट था, सडनली वो कहानी सुनी प्रोड्यूसर से, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, ये करते हैं। तो यहाँ मीर सरवर जी आए हुए, बहुत फिल्में की उन्होंने, अभी केसरी में मेन विलन में थे उस टाइम, इनसे भी मेरी बात हुई थी, कोई थ्रिलर कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ये इस पर टाइम लो, अभी मत करो। तो मैंने इनकी सुनी और इनके पास भी टाइम नहीं था, तो फिर हम जब मैंने वो सुना कॉन्सेप्ट, मैंने कहा यार वो करते हैं, तो वो तब वो माइंड में आ चुके थे उसी टाइम पर, और उसी टाइम मैंने अप्रोच कर लिया था, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुआ था, जल्दी हुआ था, तो उसी टाइम हाँ फर्स्ट चॉइस हो गया था। असरानी सर, मेरा आपसे दो सवाल करना चाहूँगा। पहला ये करना चाहूँगा कि आपके वक्त से लेकर अब तक अनगिनत फिल्में, ऋषिकेश जी से लेकर रमेश सिप्पी साहब तक, प्रमोशन जब हम बात करते हैं और मीडिया इंटरेक्शन उस वक्त इतना नहीं हुआ करता, चुनिंदा अखबार हुआ करते थे, चुनिंदा चैनल भी बहुत कम हुआ करते थे, अब ये जो बदलाव है जब हम एक फिल्म को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम आ रहे हैं या हमारी रिलीज़ हो रही है, इस बदलाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया आजकल, मोदी जी को भी बार बार 24 घंटे बोलना ही पड़ता है कि मैं मोदी हूँ, नहीं बोलेंगे तो कोई वोट देने वाला नहीं है। आज के टाइम बहुत चेंज हो गया है। मैंने तो बेचारों को देखा, हमेशा विदेश यात्रा करते रहते हैं, प्रचार के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, तो बोलना बहुत ज़रूरी हो गया, मन की बात, धन की बात, इधर की बात, उधर की बात, तो प्रमोशन आई थिंक हैज बिकम वेरी वेरी नेसेसरी। और सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि 24 घंटे लोग, मुझे लगता है कई कई कलाकार तो सोते नहीं, उसी में लगे रहते हैं, तो ये इट्स अ वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट। और ये बार बार बोलना ही पड़ता है दर्शकों को कि हमारी फिल्म देखो, ये करो, वो तो तरह तरह के तरीके निकालते हैं आजकल। एक चीज़ को बेचने के लिए आपको बहुत बहुत ध्यान से इसकी वो करना पड़ता है पब्लिसिटी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इसेंशियल पार्ट एंड आई थिंक इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। ओके, कितना थकाने वाला होता है, और मैं खास करके आपसे जानना चाहूँगा, अनगिनत फिल्में, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ नंबरस टाइम, अभी तक धमाल से लेकर यहाँ तक एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है असरानी, जो हमें मुस्तकिल नज़र आते रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा पावर है जो यू नो इट कीप्स यू गोइंग ऑन, और हर दूसरी फिल्म में कहीं ना कहीं असरानी साहब होंगे? नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है डायरेक्टर्स पे। देखिए, आई वाज वेरी लकी, मैंने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, जो बड़े जो मुझे खुद पता नहीं था कि ये ऐसा कर सकते हैं हम, तो कई लोग कई बार ऐसे सीन होते थे जो हमने कभी जिंदगी में किए नहीं, तो मुझे ये फ्रेश अप्रोच लगी शाहिद की, मुझे लगा ये उस तरह का वापस टाइम लेकर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक आदमी को एक जो पुरानी फिल्म में होता था कॉमेडी का अलग ट्रैक है, इसका अलग ट्रैक, ये पूरी फिल्म से जुड़े हुए, जुड़ा हुआ कैरेक्टर आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं इनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो बाहर वो कर लेते हैं, थैंक यू सो मच, वी विल मूव आउट फॉर द जनता। सर इस समय में Can we have silence, please? Can we have silence, please? Thank you so much. Okay, ma'am, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, छोटे पर्दे के बाद अब फिर से रुक के आपने बड़े पर्दे की तरफ, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए? छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आना जाना मेरा लगा रहता है, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं काफ़ी वो करती हूँ स्विच। इस किरदार में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत अरसे बाद टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा एक हैवी करना पड़ता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी, कॉमेडी हो तो ओवर द टॉप जाएंगे,
यहाँ पर ये था कि बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही जैसे घरेलू लोग, जैसे अपने घर में होती हैं चीज़ें कि मियाँ बीवी अगर बैठ के बात कर रहे हैं, मियाँ ट्राइंग क्यू कि भाई बहू और बेटे का कुछ झगड़ा चल रहा है या दो बहुओं का झगड़ा चल रहा है तो हाउ डू वी सॉल्व इट. सो इट वॉज़ वेरी नेचुरल एंड वेरी नाइस. और जो कॉमेडी जितनी भी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सबको, कि आई विश रानी जी और बाकी सब मुश्ताक और वगैरह सब होते साथ में, तो इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल थिंग. बट एनीवेज वो लोग नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म के और बहुत प्यारा काम किया है सबने और बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत हल्की फुल्की फिल्म है ये. तो इफ़ इट इज़ नॉट रिटन वेल एंड इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टेड वेल तो वो सारा ख़त्म हो जाता, आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाता. सो आई डेफिनेटली गिव द, मैं श्रेय देती हूँ शाहिद और राइटिंग जिसने, शाहिद ने और बाकी लोगों ने जो की, कि बहुत अच्छी और सरल, बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है ये. नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने वहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ काम किया एंड हमको लगा था कि न्यू कमर्स हैं, मगर जैसे काम करना शुरू किया तो हमको लगा है तो काफ़ी मजे ही वो कलाकार. दे आर फ्रॉम टेलीविजन, वहाँ पर टीवी में काम करते थे, स्टेज पे काम करते हैं और दे वर रेडी. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल न्यू. इसलिए क्या हुआ कि बजा 20 दिन के ये फिल्म 12-13 दिन में कम्प्लीट हो गई बिकॉज देर ऑल प्रिपेयर्ड एंड और हमको भी उनको देख देख के जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना पड़ा. हमको लगा भाई पहला सीन हो गया, दूसरा सीन लाइए हमको, तो हमको लगा ये सब रेडी आर्टिस्ट हैं और आई थिंक इस फिल्म से काफ़ी लोगों को पहचान मिलेगी. हमको तो अच्छा लगा, चैलेंज था, पर उनके लिए भी अच्छा लगा कि हम इंटरेक्शन हुआ और फ्रेश लोगों के साथ काम करने से बहुत मज़ा आया. आई एम रियली ग्रेटफुल. सर, आपने बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शाहिद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या खासियत है शाहिद? नहीं, बिल्कुल जैसे कि इन्होंने शगुफ्ता जी ने बताया, क्योंकि ऐसा था कि इन्होंने हमको बांध के नहीं रखा. जब सीन दिया तो बोले देखिए सीन ऐसा है, आपको अगर कुछ जोड़ना है, कुछ करना है, तो इस आदमी की अप्रोच फ्रेश थी. जो कई लोग बड़े वो पक्के होते हैं कि नहीं, हम तो आपको ऐसे ही हिलना है, वैसे ही करना है, चार कदम चल के निकलना है, फिर पीछे आना, ऐसा कुछ नहीं था. इन्होंने बोला कैमरा ये रहा, ये सीन आपके सामने, मेरा कंसेप्शन ये है. तो ये हर सीन में इनकी अप्रोच बड़ी फ्रेश लगी, विच इज़ एडमिरेबल, जो मुझे लगा कि ये अपने रूढ़ीवादी डायरेक्टर नहीं, फ्रेश डायरेक्टर है बिल्कुल. जो ट्रेडिशनल डायरेक्टर होते हैं ना, वो अड़ जाते हैं, तो अड़ते नहीं थे उसमें. क्या इसलिए आपको लगेगा हर एक का परफॉर्मेंस बड़ा नेचुरल है, जैसे स्पॉन्टेनियस है. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, दोनों मीडियम में आपने काम किया, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा बताइए. दे आर टू वेरी डिफरेंट मीडियम्स, वेरी डिफरेंट. यू गेट मॉडलिंग, इट्स टोटली डिफरेंट. आप सीरियल्स कीजिए, बिल्कुल अलग माहौल है, जो मेरे ख्याल में बिगड़ता जा रहा है थोड़ा. जो ऑनेस्ट कन्फेशन है मेरा, कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो बिहेवियर, या जो भी चल रहा है आजकल ट्रेंड टेलीविज़न का, वो थोड़ा चेंज हो, क्योंकि पुरानी स्कूल के हैं हम लोग, तो थोड़े वैसा चाहते हैं कि वैसे सब चीज़ें हों. तो मेरे लिए मतलब तीनों अलग चीज़ें हैं. अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल अलग हिसाब से काम होता है, फिल्म्स का टोटली डिफरेंट है, सीरियल्स का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. सो देर ऑल थ्री फॉर डिफरेंट मीडियम्स एंड वन हैज़ टू, हम लोगों को बस हर जगह जाकर वो मिक्स होना पड़ता है भजियों की तरह ना, कि जब तक के आलू और सब प्याज और बेसन सब मिलेगा नहीं तो भजी अच्छे बनेंगे नहीं, वैसा वाला हिसाब है. सो वी हैव टू मोल्ड ourselves दैट वे, कि हम सीरियल कर रहे हैं तो उस तरह का माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ रोज़ भाई ऐसा करना है, 9 to 9 ये करना है. फिल्म्स का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. तो आई स्टिल कैन नॉट, इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव नॉट येट यू नो कम्बाइंड और ट्राई टू गेट टूगेदर फिल्म्स एंड सीरियल्स. दे आर टोटली डिफरेंट टू मीडियम्स. They should, because I was in Sinta, one of the executive committee members, and all the 4 years that I was there in the committee, we used to keep fighting for all these rights, you know, ke ek to hygiene nahi hoti set pe, makeup rooms are very bad, things are taken for granted, ke matlab aap 9 ki shift mein aapko 8:30 baje pahunchna padega. Nahi bhai, 9 ki shift mein to hamari aadat hai 9 baje pahunchne ki, to unke liye wo aadha ghanta pehle nikliye, fir then
the working hours are too much of a stressful job, which is not in films. Films is like 9 to 6 kar liya, 2 to 10 kar liya. So somewhere we get that breathing space. सीरियल में आपको ना ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता जब तक कि आप लीड रोल ना कर रहे हो. लीड रोल कुछ भी कर सकते हैं. जो लीड में हैं वो 2 घंटे का लंच ब्रेक भी ले सकते हैं. लीड रोल जो हैं वो फ़ोन पे लगे रह सकते हैं आधा पौना घंटा. तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जब हमने टेलीविज़न शुरू किया जी के साथ, तब से लेके अब तक में बहुत ऐसा है. बिहेवियर पैटर्न जो है बिल्कुल लो होता चला जा रहा है, बिकॉज दे डोंट लिसन टू द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स वो हो गए हैं जो असिस्टेंट हुआ करते थे पहले, तो उनको एकदम से डायरेक्शन मिल गई है, तो उनको लगता है कि हम लीड रोल को जो है, लीड पेयर जो है ना, उनको खुश रखें, वो खुश रहें बस. तो वो चीज़ जो है वो टेलीविज़न की इज़ नॉट राइट एट ऑल. वो अप्रोच जो I have faced a lot of problems where senior actors like me or some people with me are there. और बाकायदा यहाँ इतने डिस्टेंस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आई वुड नॉट बी एबल टू डू माई सीन. मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी. तो आई एम लाइक वेरी पोलाइटली आई सेड साइलेंस प्लीज. इतनी दूरी पे खड़े हैं, फिर मैंने कहा 5 फुट के, फिर वो रिहर्सल की लाइन की. अब लाइनें मुझे याद हैं सब है, वो खामोशी नहीं हो रहे. 2 आर्टिस्ट जो हैं लड़कियां खड़ी हुई बातें करे जा रही, कर जिन दिस इज ऐसा, व्हाट इज़ योर लिपस्टिक शेड, व्हाट इज़ योर आई शेडो कौन सा लिया था तूने. देन आई हैड टू बी शगुफ्ता अली. ठीक है, आई नो माई नेम इज़ इन दैट वे पीपल टेल मी दैट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और बड़ी खड़ूस है. वो है खड़ूस इसलिए हूँ कि मेरे हिसाब से हमारे पुराने तमीज़ तहजीब के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं आप. अगर आप वैसे करते होते तो मैं खड़ूस नहीं बनती ना, मैं आपको डांटूँ. वहाँ खड़ी हुई फाइनली मुझे उन दोनों लड़कियों को डांटना पड़ा कि प्लीज़ शट अप, विल यू प्लीज़ गो टू योर मेकअप रूम्स एंड डू ऑल दिस जॉब, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन माई वर्क. वेर एज फिल्म में ऐसा नहीं करना पड़ता. मुझे कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ फिल्म की शूटिंग में. अभी जैसे मैंने लास्ट ईयर इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म की थी, साजिद अली उनके जो भाई, उन्होंने डायरेक्ट की थी लैला मजनू, तो वहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं हुआ. बड़ा अच्छे से हमारा काम हो रहा है. सारे आर्टिस्टों को लाइनें याद है, नहीं याद है तो रीडिंग कर लीजिए. कोई ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है. इन टेलीविज़न इट इज़ एक पॉइंट, जैसे बहुत तारीफ की बात समझ रहे हैं ये लोग कि ये बहुत अच्छी बात है डिस्टर्ब करना आर्टिस्ट को, या पीछे खड़े होके ऐसे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. तो मैं वही पूछ लेती थी शॉर्टकट करके, इन बिटवीन आई वुड जस्ट शो माई हैंड एंड सेड क्यों ऐसे बट आप लोग कुछ, वी आर लुकिंग फ़नी, आर वी एक्टिंग फ़नी, बड़ा सीरियस सीन चल रहा है, आँखों में ग्लिसरिन घुसेड़ घुसेड़ के आँखें लाल हो गई हैं, आप वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं, कुछ कुछ आप बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें बड़ी छिछोरी सी हो गई हैं. तो वो मेरे ख्याल में जब तक के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई मिलकर ये लोग ना बोलें कि भाई इस तरह का एक माहौल होना चाहिए सेट पर, ना कि ये कि फ़ोन पर हर इंसान फ़ोन पर लगा हुआ है, मतलब एक के बाद एक आदमी नहीं छुटता तो लाइट मैन वहाँ पर बात कर रहा है, वो लाइट मैन नहीं बात कर रहा है तो मेकअप मैन बात कर रहा है, विच इज़ सो वेरी इरिटेटिंग. हाउ डू वी कॉन्सेंट्रेट टेल मी. मेन आर्टिस्ट ही शुरू करते हैं तब तो उनको मिलती है ना शेयर मिलती है. आर्टिस्टों का क्या नाम लेंगे बेचारे, इंडस्ट्री से बाहर मिलेंगे आपको फिर वो. I can name them, but there is no point in taking their name. It is a message to all the artists. जितने नए लोग हैं सबके लिए है ये मैसेज कि प्लीज़ यू नो थोड़ा तमीज़ और तहजीब से काम किया जाए. हम बहुत डिफरेंट एक प्रोफेशन है हमारा, ऑफिस का माहौल नहीं होता है हमारे यहाँ. हम जब शूटिंग कर रहे हैं तो इट्स टोटल डिफरेंट एटमोसफियर है ऑल टुगेदर. तो थोड़ा तमीज़ और उसके साथ काम किया जाए तो टोटली बेटर. बेशक दे डोंट वांट टू से गुड मॉर्निंग और हाय इन द मॉर्निंग इफ़ वन एंटर्स. अगर वो नए हैं कि भाई अभी 6 महीने ही हुए उसको आके इंडस्ट्री में, या 8 महीने ही हुए, तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स वी लर्न एट होम एंड इन स्कूल. कि व्हेन एल्डर्स कम टू यू, यू आर सपोज टू से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, वट एवर, हाय, हेलो, और कुछ नहीं तो यो ही कर दो. अगर इतना मॉडर्न हो तो यो कर दो, तो यो कर दें हम तुमको. लेकिन है एक बात आ गई आर्टिस्टों में, दे डो नॉट मतलब गुड मॉर्निंग कहना भी उनको गवारा नहीं है. मैम वन लास्ट क्वेश्चन,
इन बिहार ऑल्सो 100 चिल्ड्रेन डाइड डेथ हुई है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए अगर आप? बेटा एक जगह की तो बात है ही नहीं, सिर्फ बिहार में, ऑल ओवर एवरी वेयर इट इज़ द सेम थिंग कि गरीब बहुत मारा जा रहा है और हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ अफसोस करके रह जाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो किसी और मीडिया के थ्रू हो, चाहे प्रेस हो कि भाई हम इतना बोलते हैं बहुत अफसोस हुआ, इट्स वेरी सैड, लेट देम रेस्ट इन पीस. नो, वी हैव टू डू बिगर. द पीपल हु आर पावरफुल, दे आर सपोज टू डू समथिंग अबाउट इट, यू नो, बिकॉज सिर्फ बातें करके रह जाना, मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया, कह रहे मुझे बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस ये होता है कि देखते वक्त ही हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड इंडिया, ऑल ऑफ अस. बॉम्बे को देख के रोना आता है, हम बॉम्बे में पले बड़े हैं, पैदा यहीं हुए हैं, वी सी द रोड्स एंड वी सी द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, एवरीबडी इज सिक, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर बच्चों को ग्लूकोज लगा हुआ है. सो ऑल ओवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इट इज़ एवरीथिंग इज़ ट्रैजिक फॉर अस नाउडेज. हम ट्रेजिडी से ज़्यादा और नो हल्की फुल्की चीज़ों से कम हमारा वास्ता पड़ रहा है. दैट्स व्हाई द फिल्म लाइक शादी के पता से इज़ लाइक अ, इट वाज अ रिलीफ फॉर मी एंड असरानी जी काइंड ऑफ पीपल, लाइक यू नो कि ओह गॉड बॉम्बे की वो भीड़ और भड़का और इतनी पोल्यूशन से हम दूर आके वहाँ गाँव में आराम से शूट करें. वी यूज़ टू इन्जॉय द थिंग. वो चारपाई पे मतलब खाना खा के मैं ऐसे सोती थी जैसे घोड़े बेच दिए मैंने, विच आई कैन नेवर स्लीप हियर इन बॉम्बे. सो इट इज़ सैड ऑफ कोर्स बिहार के जो बच्चों की हालत हुई है एंड सो मैनी ऑफ देम. तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि मैं ये सब चीज़ें कम हो क्या, ख़त्म हो जाएँ ये सब चीज़ें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें. एवरीबडी डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड हेल्दी. सो माई प्रेयर फॉर एवरीबडी, मैंने रमज़ान में भी यही प्रे किया कि रोज़े रख के अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको सेहतमंद रखे. और जो हमारे पे आफतें आई हुई हैं, ये बोलते हैं ना दूसरे लोगों की वजह से जो आफतें आई हुई हैं, वो कम. मैम लास्टली इंडिया पाकिस्तान का कल मैच था, इंडिया, अरे छोड़ो यार, आई आई हेट दिस क्रिकेट थिंग. मैंने देखी नहीं बेटा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे. ईदी देने में चली गई ना, तो मेरे पास था ही नहीं. वो दी किसी ने नहीं ईदी मुझे, मुझे देनी पड़ी सबको ईदी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे. तो मैं भारत कहाँ जाकर देखती है इन और आईनॉक्स में, एक्सपेंसिव टिकट 400-500 टिकट, तो मेरे जैसा आदमी तो नहीं भी अफोर्ड कर सकता. सो आई डेंट सी, सो आई डोंट नो वट भारत इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू. मैं कौन? मुझसे पूछ रहे हैं सेंटर लुक. ओके, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ और मैंने इसमें वन ऑफ द मेन लीड करेक्टर प्ले किया हुआ. और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था तो लिखते लिखते मतलब जब मुझे पता चला कि अफरानी जी और वो शगुफ्ता जी कर रहे हैं करेक्टर, तो मैंने ज़िद कर ली डायरेक्टर से कि मुझे ये करेक्टर करना है. और प्रोड्यूसर से आपका कॉन्सेप्ट था, इन सब से मिलकर मैंने अपने करेक्टर को लेकर डिमांड किया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने करेक्टर किया. हाँ देखिए जी, देखिए ये कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में, मैंने कॉन्सेप्ट शाहिद जी को सुनाया. तो पहले प्लानिंग नहीं थी फिल्म मेरा प्रोड्यूस करने की, तो मैंने कॉन्सेप्ट शायद सर को सुनाया, तो हमने स्क्रीन प्ले इसका इन्होंने लिखा, अच्छा डायलॉग्स लिखे, तो फिर मुझे लगा नहीं करनी चाहिए फिल्म. तो ये कॉन्सेप्ट था एक जहन में, फिर मैंने इनको समझाया, तो फिर ये जो फिल्म बनी आ गया, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी. फिल्म में जो खास बात है, एक वहाँ के कल्चर जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वहाँ के, कश्मीरी कल्चर है, एक डोगरा कल्चर है, तो दो फैमिलीज की कहानी है. उसमें जो वहाँ का कल्चर है, उन दोनों के बीच में जो नोकझोंक रहती है, वो एक फैमिली ड्रामा, वो सारी चीज़ें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा. तो एक कल्चर, एक ब्यूटी, एक सिंपलिसिटी है वहाँ की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एवरी इंडिविजुअल को. तो जब आप किसी एरिया का कोई कल्चर देखते हैं तो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें. एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है. असरानी जी एक लेजेंड हैं इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो. उनके साथ काम करने का जब उन्हें सुना ही था तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे. जब वो लोग सेट पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उनसे. और शगुफ्ता जी ने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए, तो उन्होंने मेरे मदर फादर का रोल प्ले किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. ہاں شاہد جی نے اپروچ کیا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ شگفتہ جی اور اسرانی جی ہے تو بہت خوشی ہوئی مجھے. تو فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ایز اے پروڈیوسر بھی اور چھوٹا سا ایکٹ بھی کیا ہے میں نے اس میں. تو ایز ایکٹر ایز اے پروڈیوسر میں بہت خوشی ہوئی کہ میں جو ہے سینئر ایکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوں فرسٹ ٹائم ہے اور سینئر ایکٹر کے ساتھ خوشی ہوئی پیسہ لگانے میں کہ اسرانی جی کے ساتھ لگا رہا ہوں. اوکے تھینک یو تھینک یو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو تھینک یو. مجھے ایڈریس کرنا ہے یار چلے گا. ہاں فلم کے بارے میں ایکچولی ایک ہمارے جموں کشمیر کے دو کلچر ہیں الگ الگ. ابھی تک سب کو یہ پتا ہے کہ جموں کشمیر سے کوئی بھی آتا ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کشمیری ہے. بٹ جموں کشمیر میں دو کلچر ہے. ایک ڈوگرا کلچر ہے جو بالکل نارتھ پنجابی اسٹائل کا کلچر ہے. تو یہ دو کلچر کی جب فیملیز ملتی ہیں اس کے بارے میں ہے. تھوڑی فنی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ پنجابی اور کشمیری بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو اس کے بارے میں ایک سویٹ سی کہانی ہے جو ایکچوئل میں ریئل کہانی ہے ہمارے ایک گاؤں کی جو میں نے سنی تھی. مجھے اپیل کی تو مجھے لگا یار مجھے کرنا چاہیے. اس کے لیے سو سوری. ایکچولی کیا ہے کہ وہ ایک تو کشمیر میں ابھی کل سے ان کا شوٹ ہے فلم کا دونوں کا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جموں کشمیر سے ہیں تو وہ یہاں سے ہیں نہیں. تو بٹ پھر بھی وہ آ جاتی. بٹ پرابلم مین وہ ہے کہ ان کا شوٹ ہے وہاں تھوڑا فلم کا, وہ بھی ایک ریزن ہے کہ وہ نہیں آ پائی. تو وہ وہاں پہ پریس کانفرنس وغیرہ کریں گے جس کا وہ یہاں پہ بھیج دیا جائے گا. آپ بتائیے اپنے کردار کے بارے میں. میرا جو کیریکٹر ہے اس میں وہ ایک 12th پاس لڑکے کا کیریکٹر ہے وچ از ویری بوائے نیکسٹ ڈور کیریکٹر. اور میرے لیے بہت الگ کیریکٹر کرنے کو مجھے ملا, پورٹری کرنے کو ملا, کیونکہ میں نے جو نارملی پہلے کیریکٹرز کیے ہیں وہ تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں فنکی اور کول ڈو ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں. بٹ یہ جو کیریکٹر تھا یہ بالکل ہی ایک گاؤں کا کیریکٹر, ایک سویٹ سا انوسنٹ سا لڑکا ہے جو کہ 12th پاس ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے, اور اس طرح کا کچھ کیریکٹر جو کہ کافی چیلنجنگ تھا میرے لیے کرنا. مجھے جب یہ اسٹوری شاہد نے نریٹ کی تھی تو مجھے کنسیپٹ بہت اچھا لگا. اور پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس طرح کا کچھ بھی جانر ٹرائی نہیں کیا ہے پہلے, اور یہ مجھے بہت ہی اپیل کیا کیریکٹر. اور یہی ایک وجہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کچھ ایکسپیریمنٹل کرنا تاکہ میری پروفائل میں بھی وہ ایک اچھے سے ایڈ ہو جائے. اور آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو دس کیریکٹر. مجھے لگتا ہے فیملیز تو چاہے نارتھ کی ہوں یا گجرات کی ہوں یا کہیں کی بھی ہوں, فیملیز تو ریلیٹ کریں گی 100%, کیونکہ فیملی یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں یہی ہوتا ہے, برا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, بس چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں. تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بہو آئے گی, کئی بار بڑی بہو اور چھوٹی بہو میں تھوڑی سی پرابلمس آ جاتی ہیں کچھ چیزوں کو لے کے. تو ان چیزوں کو ہم نے ہیومر میں رکھا ہے, بہت سیریس نہیں کیا ہے. آگے جا کے ہلکا ہلکا ایموشنس بھی ہیں بٹ اوور آل اس کو ہیومر میں رکھتے ہوئے ہم نے وہ میسیجز بھی رکھے ہیں کہ ایجوکیشن کتنا امپورٹنٹ ہے. جو ان کی بڑی بہو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے بٹ وہ بہت اچھی انسان ہے, بٹ وہ مس گائڈ ہو جاتی ہے, وہ پنگے کرنے لگتی ہے, ناٹک کرتی کہ یار میں تو نوکرانی بن گئی, وہ تو کام وہ تو پڑھ رہی ہے اور میں کام کر رہی ہوں گھر کا. تو بٹ فائنلی اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے. ہر کسی کا اپنے اپنے ایک جگہ ہوتی ہے اور اپنے اپنے ٹائم پہ وہ اپنی چیزیں کرتا ہے. تو ہر گھر کی کہانی ہے یہ. میسیج یہی ہے کہ ایکچولی چھوٹے شہروں میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے, اور یہ ہر جگہ کی پرابلم ہے کہ لڑکی کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں مانتے. کہ ٹھیک ہے ایجوکیشن ان کے لیے اتنا ہوتا ہے کہ 10th ہو گیا, 11th 12th ہو گیا, دین کالج بھی جا رہی ہے, اگر سڈنلی رشتہ آ جاتا ہے تو شادی ہو گئی تو ختم, وہیں وہ تھبا لگ جاتا ہے, لائف ختم پوری طرح سے. پھر آپ اپنے پہلے ماں باپ کے لیے زندگی جیتے ہو, پھر اس کے بعد آپ اپنے پتی کے لیے, اس کے اور سسرال کے لیے, اس کے بعد بچوں کے لیے زندگی. تو لڑکی کی لائف کہیں رہتی نہیں ہے. تو یہ ایک لوتی ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو چوری سے سٹا بھی مار لیتی ہے سگریٹ کا, جو من کرتا ہے اس کو لڑکا پسند ہے تو بول رہی ہے کہ یار یہ لڑکا کتنا اچھا, جبکہ اس کو پتا ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس کے, وہ خود ہی اس کو پرپوز کرنا چاہتا ہے. اور ایک ایسی لڑکی ہے جو بنداس ہے, اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, شادی کے بعد پڑھنا ہے. تو اس کے لیے یہ ڈیسیزن لینا بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے, گھوم پھر کے انسان وہیں آتا ہے. بٹ یہ ہے کہ پازیٹیو لڑکی ہے اور انرجیٹک ہے, اور وہ ایک میسیج ہے اس کے کیریکٹر جو ہے وہ پورا ایک میسیج ہے کہ آپ ایک لڑکی اپنے لیے کتنا اسٹینڈ لے سکتی ہے, وہ بھی چیز اس کے اندر ہے, ہیومر میں ہے بٹ ہے. تھینک یو. یہاں پہ جی سر سر کیا کہنا چاہیں گے, ایک ہلکی کامیڈی فلم ہے یہ, تھوڑا سا بتائیے آپ نے ٹریلر دیکھا کیسے لگا؟ یہ ٹریلر دیکھ کے بڑا اچھا لگا, جیسے کہ راشٹر اسرانی صاحب نے کہا کہ رشی دا کی یاد دلائی انہوں نے, رشی مکھرجی زون کی فلم ہے یہ,
और इस टाइप की फिल्में आप कंपेयर तो खैर उनके साथ नहीं करनी चाहिए, उन कंपेरेटिवली बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन हर फिल्म मेकर ने कहीं ना कहीं छोटे पैमाने से शुरू किया है, तो डिस्करेज किए बिना ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और शाहिद के साथ मैं इससे पहले एक फिल्म कर चुका हूँ जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, लतीफ़ लालन, उसमें मैंने लीड नेगेटिव कैरेक्टर किया था, और ये फिल्म बहुत प्यारी है। मैंने एडिटिंग पे ही ये फिल्म देखी थी और मुझे पसंद आई थी, और स्पेशली द परफॉर्मेंसेस जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस अर्जुन हैं, सनम हैं, तारिक है, नेहा है, और ऑफकोर्स असरानी जी, शगुफ्ता जी और उनके पेरेंट्स हुसैन भाई, रानी जी, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शगुफ्ता जी ने खुद ही सारे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, सबके सब मंझे हुए कलाकार हैं। जब भी बॉलीवुड से J&K में कोई भी फिल्म मेकर जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आर्टिस्ट मिलेंगे नहीं शायद, यहाँ पे एक्टर्स होंगे नहीं शायद, तो वो मोस्ट मुंबई से ही आर्टिस्ट बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने कई बार काफ़ी फिल्मों में ये भी नोटिस किया है, मैं खुद J&K से ही हूँ, मेरी शुरुआत तो कर कुछ फिल्में की हैं अभी तक मैंने यहाँ पे, लेकिन जब भी वो फिल्म मेकर्स वहाँ के टैलेंट को देखते हैं तो दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज, विच इज़ गुड फॉर द लोकल इंडस्ट्री, जो वहाँ की छोटी इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा है। और काफ़ी सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, हमने भी एक दो फिल्में बनाई वहाँ पे J&K फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और शाहिद के बड़े भाई राहत भाई, मैं, मेरा दोस्त हुसैन भाई, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटी सी इंडस्ट्री डेवलप हो जाए वहाँ पे, दैट्स ऑल। मीर सरोवर सर, वहाँ पे गवर्नमेंट से कितना सपोर्ट मिल रहा है, लाइक सब्सिडी वगैरह, इस तरीके का कोई प्रावधान अभी तक ऐसा, जैसे कि सब्सिडी की बात है UP गवर्नमेंट का जो है, और शायद झारखंड में भी शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अप्रोच तो कई बार किया गया, इनफैक्ट हमने भी अपने लेवल पे बात की कई बार गवर्नमेंट से कि कम अप विथ सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस। हमने एक फिल्म बनी थी वहाँ पे जिसे J&K गवर्नमेंट और J&K बैंक ने भी सपोर्ट किया था, और फिल्म मेकर वॉज फ्रॉम बॉम्बे, और हमने उसी का रेफरेंस दे के कहा कि लाइक वी आर द मेकर्स फ्रॉम J&K, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट हमें नहीं मिला, थोड़ा सा बेनिफिट मिला, लेकिन इन नॉट, अगर हम देखें कंपेयर टू 2 करोड़ 4 करोड़, उसके मुकाबले में दे वर लाइक पीनट्स। सो यस, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ की बेसिक लोकल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए काफ़ी काम कर सकती है, बट ये वेद इज़ ए विल दज ए वे, तो हम उसका वेट किए बिना ही अपने एफर्ट्स लगा के, चाहे हम अपने पैसे लगा रहे हैं या मार्केट से पैसे उठा रहे हैं, हमने सीधा इंटरेस्ट पर भी पैसा लिया है पिछली फिल्म के लिए, और कई बार हमने एज एन आर्टिस्ट फ्री काम किया है, क्योंकि देयर वाज एन एग्जांपल फॉर द लास्ट फिल्म आल्सो कि एटलीस्ट दैट्स माय कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, तो दैट्स व्हाट, लेकिन गवर्नमेंट से अभी तक उतना सपोर्ट नहीं मिला। तो J&K के लिए तमाम सेक्टर गवर्नमेंट ने रखे, बहुत सारी ऐसी योजनाएं महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने लापरवाही बरती, वहाँ जो अभी तक स्टार या कलाकारों को इस तरीके का प्रावधान जो लोग और स्टेटों में मिल रहा है वहाँ नहीं मिल रहा है, ये मैं गवर्नमेंट के बिना पे बात तो खैर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और क्यों नहीं बेनिफिट हुआ उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमें 8 महीने लगे अपनी फिल्म कश्मीर डेली जो हमने बनाई थी, उसको एक ऑडिटोरियम हमें चाहिए था, तो उसे हमें उस प्रोसेस में जो अपने डायरेक्टर हैं हुसैन साहब, उसे 8 महीने चक्कर लगाने पड़े दफ्तरों के। एक इफ़ यू डोंट हैव अ पुश, अगर आपके पास कोई बैकिंग नहीं है इधर पॉलिटिकल और कोई जिसको कहें कि रेफरेंस है और यू आर द मनी पर्सन, लेकिन आपके पास बड़ा अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, बड़ा बिजनेस है, तो एवरीबॉडी विल वेलकम यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमें तो उम्मीद है कि अच्छा हो। अभी वहाँ पे गवर्नर साहब हैं हमारे, और उनसे भी अप्रोच कर रहे हैं कि जो वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है वहाँ पे, उम्मीद है कि अच्छा हो हमारे लिए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। केसरी एक बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए, बिकॉज वो धर्मा की, और मैंने उसमें मेन लीड नेगेटिव प्ले किया है, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्पेशली फ्रॉम द पंजाब सेक्टर वर्ल्ड वाइड, और ऑनलाइन काफ़ी सारे लोग सराह रहे हैं मेरे कैरेक्टर को, क्योंकि विलन होते हुए भी मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव था उस फिल्म में, सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म। और प्लेइंग मेन लीड इन धर्मा फिल्म प्रोडक्शन फिल्म, और अक्षय कुमार साहब के साथ दूसरी फिल्म थी मेरी,
तो इट वॉज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और उसके उस वजह से काफ़ी दरवाजे खुले, काफ़ी अप्रोच हो रहा है, बड़ी बड़ी फिल्में अभी बात चल रही है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। सर आपने अक्षय सर के साथ काम किया है, तो अभी थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी के साथ वो एक फिल्म कर रहे हैं सूर्यवंशी जी, और इंशाल्लाह के बीच में क्लैश था, तो उन्होंने फिल्म को पीछे ले मतलब पहले प्रीपोन किया, तो रोहित शेट्टी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो एक्टर्स को डायरेक्टर्स को ट्रोल किया जाता है, ट्रोलर्स का काम है ट्रोलिंग करना, एक्टर्स का काम है एक्टिंग करना, हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहे, दैट इज अ गुड जेस्चर फ्रॉम एक्चुअली सलमान खान का मुझे ट्वीट याद है कि लाइक ही सेड लाइक रोहित शेट्टी इज अ ब्रदर, उसने अपना फिल्म को क्लैश किए बिना ही अपनी फिल्म आगे लाई, जो कि आई थिंक सलमान का बर्थडे है वो 27th of March, विच इज़ अ गुड विल जस्ट बिकॉज ये छोटी सी इंडस्ट्री है, चाहे हम कितने भी डिफरेंसेस पाल के रखे हैं, कहीं ना कहीं ये गिने चुने लोग ही हैं जो आप अगर काउंट करते रहें, प्रोडक्शन हाउसेस से लेके बड़े एक्टर्स से लेके छोटे एक्टर्स तक भी, यू कैन थिंक काउंट बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको जानते ही होंगे, जितने भी सारे लोग हैं, यू नो हु आर द राइट पीपल, हु आर नॉट द राइट पीपल, और ये अच्छा जस्चर है अगर उन्होंने अपनी फिल्म आगे की है, तो ट्रोलर्स अपना काम करते रहें, एक्टर्स अपना काम करते रहें, फिल्म मेकर्स अपना काम करते रहें, कारवां चलता रहेगा ऐसा। थैंक यू वेरी मच। ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे ट्रेलर के बारे में और किस तरीके की फिल्म है इसके बारे में? वेल ट्रेलर जो है सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, और कुछ नया देखने को मिल रहा है अभी स्क्रीन पे हमें, जिस तरह से अभी ऑडियंस का रिस्पॉन्स मैंने देखा तो पीपल आर लाइकिंग इट, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी यू नो अनयूजुअल, इस तरह की जो फिल्म्स अभी बनना जो स्टार्ट हुई हैं, तो उस जॉनर में जो है इट इज़ लुकिंग वेरी यू नो रिफ्रेशिंग। और जहाँ तक मूवी का है, मूवी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक स्टोरी है, एक स्वीट सी स्टोरी है, इट्स अ लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा, तो फन एलिमेंट बहुत है इस मूवी में, और ये जम्मू कश्मीर की स्टोरी पर बेस्ड है, और इट्स बेसिकली अ ट्रू स्टोरी जो कि हमारे प्रोड्यूसर सजाद जी ने डायरेक्टर जी को नरेट की थी, तो वहाँ से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लेके उनको कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, सो ही थॉट ऑफ मेकिंग दिस मूवी। और इसमें एक स्वीट सी स्टोरी है जो कि एक गांव की है, वहाँ पे जो एक फैमिली है लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, और कैसे उसमें स्वीट सी स्टोरी के हिसाब से ये जो लड़का लड़की होते हैं दे फेल इन लव विद ईच अदर, बट उनका अरेंज मैरिज हो जाता है, और उसके बाद शादी के बाद के जो इसमें पतासे की बजाय जो व्हाट इज़ एक्चुअली शादी के सियापे जो बाद में होते हैं, जो नोकझोंक हर घर में होती हैं, बट इन अ फन वे, तो वो चीज़ इसमें दिखाई गई है, और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मूवी। मैं पूरा क्वेश्चन भूल गया आपका, मैं इतना बिजी मतलब इन्वॉल्व हो गया था इनके वो सुनने में, मैंने कहा इतनी अच्छी नरेशन करते हैं। आपको क्वेश्चन था कि जब ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब आप कोई काम करते हैं, क्योंकि हम लोग तो इसको बहुत देर से देख रहे हैं, आप एडिटिंग पे देखते हो, साउंड मिक्सिंग पे देखते हो, तो आप फिर जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप खुद कोई काम करते हो, तो उस टाइम पे जब ऑडियंस का रिस्पांस आता है तो वही आपके लिए एक वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो जो रिस्पांस था, हाँ जितना भी रिस्पांस था ऑडियंस का बहुत अच्छा था, सारे मीडिया ने बहुत तारीफ की और जितने भी हमारे एक्टर्स आए हुए थे सब ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। शादी के पतासे, पतासे जो है एक्चुअली यहाँ पे शायद बतासे बोलते हैं इनको, हमारे वहाँ तो पतासे ही बोलते हैं, हाँ तो पतासे एक मिठाई है खाने वाली, तो शादी में जैसे लड्डू बनते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे हमारे होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट, हमारे वहाँ पे वैसा पतासे फेमस हैं काफ़ी, तो ये वहाँ शादी पे नॉर्मली मतलब फैमिलीज में ये सब मतलब बांटे जाते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत आई गेस सस्ते भी होते हैं एक्चुअली, जब बेसिकली जब वहाँ पे लेडी संगीत होते हैं या वैसा कुछ होता है तो काफ़ी सारे फीमेल्स जब आते हैं तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इट्स दैट काइंड ऑफ स्वीट, तो ये स्वीट है, तो इसको हमने उस ऐसे रिलेट किया कि जैसे शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मतलब शादी के पतासे, तो इसको वहाँ से रिलेट किया उसके साथ, शादी के मतलब पतासे वतासे दिखा लिए हैं, शादी के साइड इफेक्ट्स, एक्चुअल में इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं वो कुछ ऐसे हैं, शादी के पतासे वो सिर्फ मतलब उसी दिन अच्छे लगते हैं जिस दिन आपकी शादी हो रही है, वो दो दिन का जो एंटरटेनमेंट, और उसके बाद शादी के बाद जो घर पे एक खट्टा मीठा नोकझोंक वाला रिश्ता जो देखने को मिलता है वो दिखाया गया है। जम्मू में, जम्मू कश्मीर, अगर यहाँ पे अब जम्मू का इतना, तो जम्मू के जो प्रॉपर एरिया है वहीं पे इसका हुआ है, कुछ पार्ट कश्मीर में हुआ, सॉन्ग्स को लेके हमने पुंछ वहाँ पे एक एरिया है, हाँ कुछ वहाँ पे शूट किया, तो ऑलमोस्ट लोकेशन सारा जे एंड के ही था। शूट के दौरान कैसी मस्ती होती थी कुछ अगर इसके बारे में बताना? शूट के दौरान
शूट के दौरान मतलब जब शूट चल रहा होता था तब तो हम लोग बहुत सीरियस रहते थे और अच्छे से काम करते थे, बट आफ्टर पैकअप हम लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते थे। अब असरानी जो होते हमारे सीनियर एक्टर्स थे तो हमें काफ़ी ध्यान भी रखना पड़ता था कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए कि मतलब कल को उनको ठीक ना लगे, तो काफ़ी हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता था कि पहले काम 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 अच्छे से हो जाए उसके बाद मस्ती का टाइम। हाँ तो बाकी हम तो शूट पर तो मस्ती करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी है। हाँ अगर फन वे में अगर हम अच्छे से शूट करेंगे मस्ती के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट भी आपका अच्छे से निकल के आएगा। ऑडियंस के लिए तो एक ही बात बोलूँगा यार कि फिल्म देखो, आपका जो रिस्पांस है उससे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आप मतलब आगे काम करने में बहुत आसानी होगी कि आप कैसा रिस्पांस आता है, हम लोग कैसा काम करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, ये सब आप ही बताओगे हमें। खुद तो बंदे को लगता है मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। लाइट हार्टेड फैमिली ड्रामा है और ह्यूमर है इसमें, तो ये जॉनर ऐसा है जो हर एक हर किस्म की ऑडियंस जो है वो इन्जॉय करती है और ऑडियंस इसके साथ रिलेट भी करेगी। तो एक दर्शक जो है थिएटर में आता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और एंटरटेन होने के लिए, तो ये फिल्म एक ऐसी है जो एक कंप्लीट पैकेज देगी। एक सवाल और है कि फिल्म दो पूछो वेल वो हम लोग तो नहीं बता सकते कि कलेक्शन का क्या रहेगा, बट मैं तो खुद से 4-5 बार देखूंगा जाके और अच्छा खासा टिकट खरीदूंगा महंगा वाला। एक्सपेक्टेशन ये है कि जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से प्रोडक्ट निकल के आया है फिल्म, तो अच्छी है, चलनी तो चाहिए, एंड आई एम श्योर इट विल डू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।